रहना तो बहुत मुश्किल होगा, और मैं तो कैप्टन भी हूँ, पता नहीं क्या होगा। डरो मत, खुदा पे भरोसा रखो और देखना आप जीत जाओगे। खुदा पे तो भरोसा है। तो बस फिर घबराना कैसा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो और देखना खुदा आपकी मदद करेगा। और हाँ, इसी बात से मुझे बुक से एक स्टोरी याद आई, आओ दोस्तों मिलकर देखते हैं। अगर आपके कहने के मुताबिक बनी इसराइल ने यरू के करीब खैमा लगा लिया है तो हमें जंग की तैयारी करना होगी। मुहाफिज दुगने कर दो और हर अजनबी पर नजर रखो, और रात होने से पहले शहर के सब दरवाजे सील कर दो। हमारे जवान तैयारी में है मेरे आका, और सबसे खास बात, हमारी दीवार तोड़ी नहीं जा सकती। सय्यून के बादशाह ने सोचा कि वो ताकतवर है और कुचला गया। बादशाह ओग उसी तरह शिकस्त खाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं कभी नहीं शिकस्त खाऊंगा। खुदावन जो दीवार शहर को घेरे हुए है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। यशवा घबराना नहीं और ना ही दिल छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तर्क करूंगा। लेकिन मेरे खुदावन, हम उन्हें कैसे शिकस्त देंगे? यशवा, ये वो जमीन है जो मैंने अपने लोगों इसराइल को देने का वादा किया है, लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा और बहुत हिम्मत करना होगी। आखिरकार वक्त आ ही गया। यशवा, कुछ और भी है, जो हुक्म मेरे खादिम मूसा ने तुम्हें दिए हैं उनकी तकमील में एहतियात करना, कभी उनसे हटना नहीं, ना ही दाएं मुड़ना और ना ही बाएं, तब तुम्हें कामयाबी होगी जहां भी तुम जाओगे। आपकी मदद से। ये बहुत बड़ा और पत्थर की तरह ठोस है। ये बहुत ऊंचा है और ये पूरे शहर को घेरे हुए है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कौन है जो यरू को फतह करे? हम कैसे वो जमीन फतह करेंगे जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है? हम कभी नहीं फतह करेंगे, खुदा हमें देगा और उसने मुझे आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। लेकिन हम अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें कोई अंदाजा नहीं कि दीवार के पीछे क्या हो सकता है। ज़ेबा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जानने की जरूरत है कि दीवार के पीछे क्या है? तो फिर तुम नोहार के साथ क्यों नहीं जाते? शहर का जायजा लो और हमें आकर बताओ। तुम हमें भेज सकते हो जोशुआ, खुदावन तुम्हारे साथ हो। मैं जानती हूँ कि खुदावन जो इसराइल का खुदा है उसने तुम्हें ये जमीन दे दी है। हर कोई यहाँ यरू में तुमसे इतना खौफ ज़दा है कि हम खौफ से कांपते हैं। तुम हमारी वजह से डरे हुए हो। हमने सुना है कि कैसे खुदा ने बहरे कुलजम के पानी को तुम्हारे गुजरने के लिए खुश्क कर दिया जब उसने तुम्हें मिस्र से निकाला। कैसे इसराइल के दुश्मन हमारे खुदा के लिए ऐसे बात कर सकते हैं? तुम सही कह रही हो राहब, खुदा जिसने हमें मिस्र से आजाद कराया। हमने ये भी सुना कि कैसे तुम लोगों ने दरिया के पार बादशाह सय्यून और ओग को फतह किया। यरू में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत रखता हो। राहब, अपने लोगों के खिलाफ मत जाओ। ओ माँ, ये इसराइल का खुदा यकीनन सारी कौमों का खुदा है। तुम इसराइल के खुदा पर यकीन रखती हो? आसमान और जमीन के खुदा, मैं तुमसे वादा चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने तुम्हारी जान बचाई है उसी तरह तुम मेरी और मेरी माँ और भाइयों की जान बचाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम हमें मौत से बचाओगे। हम कसम खाते हैं, अगर आप हमें धोखा नहीं दो तो राहब, जब खुदा हमें यरू देगा हम अपना वादा पूरा करेंगे। मैं धोखा नहीं दूंगी, अब आए चले। ये तुमने क्या किया राहब? मेरा घर दीवार के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, यहाँ से रस्सी के जरिए नीचे उतर जाएं और आप शहर से बाहर होंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? बहुत अच्छी, इसका मतलब खुदा मुझे कंपटीशन में हेल्प करेंगे और मैं जीत जाऊंगी। आप जीत जाओगे। तो सब मैं राहब की तरह बनूंगी। और मेरा एक सवाल है। वो क्या?
तो आखिर में क्या हुआ, उनको यरू मिल गया था? जी हाँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ, लगता है दादाजी आ गए। मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे कागज पेंसिल धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, जोजो और रिंकी उसके दोस्त, उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। बच्चों कैसे हो आप लोग? हम ठीक है दादाजी, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत काम थे जिसकी वजह से कुछ लेट हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, हम वैसे भी स्टोरी देख रहे थे। स्टोरी? कौन सी स्टोरी? राब और यरू की। अरे ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, क्या सीखा आपने? दादाजी हमने बहुत कुछ सीखा। चलें, मैं इसी स्टोरी से रिलेटेड एक क्राफ्ट बना के देता हूँ आपको। ठीक है, चलें। चलें, आए। खुदा हमारी जिंदगी में रोशनी की तरह है और हमें इस कैंडल की तरह उम्मीद लगाए रखना चाहिए। दादाजी हमने उस स्टोरी से भी यही सीखा। वेरी गुड। अच्छा तो आज आप मुझे क्या सुनाने वाले हैं? हाँ टिया, आज क्या हम कोई सॉन्ग नहीं सुनेंगे? नहीं, हम सुनेंगे ना, और आज का सॉन्ग स्टोरी पर ही है। तो चलो दोस्तों मिलकर सुनते हैं। Chop.
मजे का था ना रिंकी? और गुड लक दिया आपके कंपटीशन के लिए, और हम दुआ करेंगे कि वो अच्छा हो। थैंक यू। ओह, एक बज गया, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस पर जाना था। तो चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ अपनी प्रैक्टिस पर। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।